कोई भाषण देने की थी या मीटिंग है, रणनीति का किना हिसाब से कर देंगे। हम सब राजनीति में काम करने वाला लोग में अपना मालूम है कि कहीं तुलसीराम सिलावट ने करियो और कैसा अपना काम करो। अभी बात छोटी छोटी है, जितना दल लेट होगा चुनाव उतनी ज्यादा ताकत से कांग्रेस का पक्ष में लोग आओगे, ये याद रखो। जो जैसा जैसा और लेट होते जाएगा कांग्रेस का पक्ष में और लोग आते जाए। अभी पूरा मध्य प्रदेश में और देश में एक मंडी को कानून आया, टीवी पर देखता होगा था। यो कई है मंडी को कानून, यो किसान परिवार से अपन जुड़ा हुआ है। एक क्रिया है कि प्राइवेट मंडी लगाएगा, सरकारी मंडी खत्म कराएंगे। तो सरकारी मंडी में जैसा अपनी मंडी समिति रही, चुनाव हो, चुनाव लड़े किसान प्रतिनिधि ना जाए, कोई अच्छो काम करे कोई बुरो काम करे, पर फिर भी कंट्रोल रही राजनीतिक कंट्रोल मंडी पर किसान ना की रक्षा का लिए, उनकी सुरक्षा का। प्राइवेट मंडी अगर ही की तब महाराज का अगर पैसा है तो प्राइवेट मंडी मैंने 50-100 एकड़ में बनेगी। उपमन ना कोई सवाल भी सकते हो ना जवाब भी सकते, मारो कानून है धक्का नहीं लानो चल बाढ़ अगली जगह देखागा। इन्हीं मंडी में हम कोर्ट कचेरी जो वो सब 10 तरह की बात कर सकता। फिर दूसरो कानून बनी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब ठेका पर खेती, जिका अगर 2 एकड़ जमीन है वो साल भर का 50,000 रुपया कमाई दे तो उसका क्यों जाएगा कि थका 50 की जगह हम 60 दांगा, तू हमारे दीदन तू दूसरी नौकरी कर, 60 मिले भी रहा दूसरी नौकरी भी कर। तो उसका गरीब आदमी या कोई भी किसान आदमी के जैसे की बात तो ले लेगा। और एक बार कब्जो ही जो पूरा टोटल धीरे 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 होगा पर प्रोसेस बनी गयो तो फिर उनका हाथ की मोनोपाली है। और तीसरो कानून है जो स्टाफ की लिमिट का बढ़ानो प्राइवेट नौकरी। अभी काला बाजारी होती थी, जैसे गौ कोई ने रखी लिया 20,000 क्विंटल या चना रखी लिया 50,000 क्विंटल या कोई अनाज इतना रखी लिया जिसके लाखों टन में जब उद्योग अडानी का लिए प्लान ही है, अडानी का लिए प्लान ही देश भर में, तो अडानी का ना अद्भुत पैसा है। तीसरा नंबर को आदमी है पैसा में भारत में तीसरा नंबर उका कहने सगड़ा पोर्ट ना है, पोर्ट जहाँ हवाई ये पानी का जहाज ना खड़ा है, एक भी पोर्ट एक सिंगल पोर्ट दूसरा कने नहीं है, जहाँ जहाज है वो सगड़ा अडानी कने है। ठेका पर 99 साल की लीज पर, 99 साल की लीज पर भारत सरकार ने पिछली बार दियो थो। दूसरी चीज उका कने साइलो, जैसे अपने जो सिपरा में है ऐसा 70% साइलो खाली अडानी कने है देश, मतलब भंडारण की क्षमता उका कने है। और उसका बाद उका कने है बाहर दुनिया भर में जहाज ना का माध्यम से अनाज खाने पीने की चीज खाद्यान्न पदार्थ पहुंचाने की ताकत। अब तीसरी चीज चाहिए यहाँ कंट्रोल। तुमने 3-1 साल पहला 2015-16 में याद है कि दाल की कमी आई थी, दाल तो 260 रुपया किलो तक दाल बिकी, तो यह 260 रुपया किलो तक जब दाल बिकी रही थी तो इको मतलब थो कि अपन ने तो 30-35 रुपया में जिन्हें भी दाल पैदा करी अपना ये बेल्ट में नहीं हो, पर जहां जहां हो वहां वहां 40 रुपया से 30 रुपया का अंदर अंदर बिकी और ज्यादा से ज्यादा 4,000 और उन्हें भेजी 250 रुपया कुंटल, 2,500 रुपया कुंटल, 2,500 रुपया नहीं कहीं हो 25,000 रुपया कुंटल दाल बिकी है। तो मारो ये कहना है कि ये तीन कानून है इनको विरोध गांव गांव अपने बात करी करी कर। एक चीज जो किसान विरोधी कानून है और यह बीजेपी लाने की कोशिश करी है, कल कमल पटेल ने, कमल पटेल ने क्यों कि कमलनाथ ने कर्जो माफ नहीं करी, सुनो ना समझना। शिवराज सिंह जी ने क्यों कर्जा माफी नहीं हुआ, सुनो समझना। ज्योतिराज सिंधिया ने क्यों कर्जो माफी नहीं हो, सुनो समझना। हम बार बार कहता था हमने कर्जो माफ करो, कल कमल पटेल ने विधानसभा में महाराज प्रश्न पूछ लिया, वहां तो सही लिखित तो सही देना पड़ेगा। 26,36,000 किसान ना को कर्जो माफ हो सरकार ने कल लिखित दियो है, कल लिखित दियो है। वो प्रति जगह जगह जा रही है, टीवी ना पे भी है रही है यो कमार चौथ सुने दो, सुनो 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 सुन लियो तू और फैले ही रहे हमारे से चालू हो जाएगा तुम्हारा घर घर ही जाएगा। तो एक झूठ तो इनको पकड़ेंगे तुलसीराम को कि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं भाग गया, याद बात कहते रहो। तो एक एक चीज तो समझ में आएगी सबका है ना, अभी और आओगी 2-3-4 दिन में 8 दिन में सगड़ी झूठ इसी पकड़ेंगे तथ्यात्मक दिलाने। जो हम किया है तुम्हारा मन में बात है कि 50 करोड़ रुपए लीन बिक्यो, सच यो निकाल आओ, कहीं सच नहीं, कहीं है सच, कहीं है सच, 50 करोड़
या घर घर बात भी चली, एक एक आदमी कर चली। अभी बीजेपी का कार्यकर्ता ने अभी बात ही थी कांग्रेस बीजेपी की, बिल्कुल तम अपना अपना गांव में एग्जामिन कर, सबसे बात करो, अपना गांव में खाली उना गांव में। पहला बात क्या चलती थी, अरे यार ना तुलसी भैया का तो इससे भी संबंध है, का भी है, ये भी काम कर देगा, बीजेपी का भी कर देगा, था यो तो जीत ही सकते। पहला शुरू शुरू में ऐसी बात ना होती थी, अब ऐसी बात नहीं होती। अब जिना गांव में जाओ, वहां एक अलग तरह के बीजेपी का लोग क्यों मदद करे, अरे क्यों मदद करे, वे भी नहीं करेगा। और हम भी कट्टर ही अपनी जगह, अपना अपना गांव नाम, तो हम तुम्हारी तुम्हारी बात ना समझ लो कि हम कोई भी तुलसीराम सिलावट कहे हमारा कहीं, तो हम जी भी सकता है कि जो लोग चली गया, जैसे साखला जी का यहाँ से दूसरा साखला जी चली गया, तब एक जन जो है धतुरिया पूछ लो हालत कहीं है, धतुरिया का कुण इनका ला भी तो टोटल बाहर आदमी है, दूसरा कुण है धतुरिया से मोती सिंह जी, कहीं मोती सिंह का ईमानदारी तुम्हारे है नी, जो सबसे प्यारो उसकी सौगंध है, कहीं है धतुरिया की स्थिति, यो आज तक कहीं वहां सको भाई है। अब हम कहीं यो बताओ नहीं, अब हमारे यो बताओ कि अपन धतुरिया से जीतांगा कि हरांगा, चार पोलिंग की पूर्ति का, हर गांव में यह स्थिति, हम पालिया में खड़ा है या पालिया, यह बात कांग्रेस और बीजेपी की भी नहीं रही है, हर गांव में सर जैसा हम चार पांच जना है भैयो, हम सब इंदौर जो शहरी कॉलोनी ना है, मैं पिछले एक महीने से रात रात को दो दो कॉलोनी, जब भी मुझे अवसर मिलता मैं मीटिंग लेता हूँ, फोटोबाजी नहीं करता। पढ़िया लिखा लोग ना गिरे कि कमलनाथ की सरकार गिरे, जो गलत करे नरा लोग ना कहे कि हूँ बीजेपी को है, पर हमारे इक्का हराणु है या गलत जो है मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए, लोग नामा अंदर से भावना बनी है अपना आप। तीसरी बात जो सबसे बड़ी हुई है, अभी देश में पहला मोदी जी का नाम पर वोट ले गया था कि मोदी जी है अलग तरह के नेता है, इन्हें कोरोना की महामारी में उनकी कलई खुली कि वे कितो कहीं करे उनने देश के साथ, कहीं भी है घर हर घर दो छोरा एक छोरो बेरोजगार घूमे और कोई संभावना नहीं दिख रही कि एक नौकरी मिल जाए, तो ये मिडिल क्लास का लोग ना नहीं देखे कि सरकार ने असो कहीं करो कि ऐसी स्थिति बनेगी, तो अपना आप परिवर्तन कहने को अर्थ यो है कि माहौल तुम्हारा अब पक्ष में और बढ़तो जाएगा, घटको नहीं, यो हमारो वचन है तुम्हारे से। दूसरी बात यह है, पर हमारो बूथ को काम, जैसा अपन सब पदाधिकारी ना है, बूथ को काम बूथ का हिसाब से हो, सरपंच और पंच को चुनाव लड़ा उसे हो, तो तब 20,000 हूं तब 25,000 से, अगर तब ना अड़माप चुनाव लड़े कोई प्लानिंग ही नहीं करी, तो फिर जैसो चुनाव 2-3 हजार से हार जीत को है उसे हो, जैसो हर बार हो। पर अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता नाना जी को जहां बूथ है, जी के जहां की जिम्मेवारी है, उन्हें पहला घर गिणिया, अपना गांव ना मालूम रहे कि यो घर कांग्रेस को, यो बीजेपी को, यो कांग्रेस को, यो बीजेपी को, रही कि नहीं रही, अरे रही कि नहीं रही, और खाली 50% 60% लोग ना कि मालूम रहे कि बीजेपी का है नहीं कांग्रेस का, 40% लोग ना कि नहीं मालूम पड़ा क्या जो कांग्रेस में है कि बीजेपी में, वो समझ में नहीं आने, सोच रहे। फिर मोहल्ला का बटिया रहे कि यार यो मोहल्लो कांग्रेस का वोट देगो, यो मोहल्ला में थोड़ी बीजेपी ज्यादा है, सोच रहे नहीं गाँव ना में। अगर तुमने घर गिन लिया, पहला घर गिन लिया भूत वाई पेच प्रभारी का हिसाब से, ये पहला भैया ये अपना 40 घर विरिया है ना, एक में 40 घर में एक घर में 4 वोट है, तो 4 × 16 160 वोट विरिया अपना, अगर जीतना है तो 100 वोट और चाहिए, अपना मेहनत करनी पड़ेगी, तो 240 वोट करने का 500 वोट का बूथ पर 240-250 वोट लाना है, तो उसका लिए फिर अपने किना घर ना का इफेक्ट करना है, तो वहां फिर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अभी दिनेश मामा जी किया था कि भैया तो है कि आखिरी में कार्यकर्ता थक जाते हैं, फिर उनके पास संसाधन की कमी आती है, वहीं जाके हाथ टेकने पड़ते, नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटता, सही याद बात की ना, याद की नहीं। देखो भैया जो चुनाव तुलसीराम सिलावट खाली पैसा से लड़ना चाहो, याद रखो जो यहाँ बात यही सकते है कि हम यहाँ बैठे उपमा से भी कई लोग ना का ऑफर आएगा, और वोट तो उनका अभी जैसे ही भांडा बांटे है नहीं, तेना भांडा नामा घर लिखियो है, जो गरीब आदमी है, जो टापरो है, यो नौकरी करे है, एक 1,000 देना है, एक 500 देना है, एक प्लानिंग करी हो, या जो साड़ी बांटी है, या 150 रुपये की 50 रुपये को हंडो, यो तो एक प्रोसेस तो बीजेपी जो जिको बीजेपी को काम करने को तरीको मारा है करता रहे विधानसभा में, हूँ निपट तो रू इनसे, तो मारो ये कहूँ कि अभी इनने घर चिन्हित कर लिया, इनने घर चिन्हित कर लिया, हमारा कहीं करना है अक्कल लगे लो, जो
बोलने की जरूरत तो नहीं है रे। अरे समझा नहीं समझा? समझी गया। तो इन्ना उना भूत पासा घर ना चिन्हित करे जाए पैसा से वोट लेनु चाहो। हमारे उना लोग नाकन जय लोग कहनु है कि भैया पैसा तो लेना है, क्योंकि 50 करोड़ में से पैसा ही है, मना नहीं करनु है। अगर कोई पैसा देगो तो किका बुरा लागे, लेगा सही, अपन रोकांगा तो भी लेगा। तो इको मतलब है हमारी ना झगड़ा में नहीं पड़नु कि पैसा कुण बांटी रहे कुण ले रहे, पर हमारे अपनी बुद्धि को उपयोग करनु। तुलसीराम सिलावट करने न कहने का कहीं है, न करने को कहीं है। वोट मांगने जाएगा तो कोई बात तू बता ही नहीं सकते कि कल ये वोट दो भाई। वो खाली यो कहेगो अब यो कर्जा माफ को भी उन्हें की कि दिया 26 लाख किसान को, वहां झूठ भी पकड़ेगी उसकी। तो वो अभी कोई भी बात ऐसी नहीं करेगो कि जिससे कि ये लोग ना चेंज कही कि इकालिए वोट दो, यूं कहे अपनी पार्टी है बीजेपी इकालिए वोट दो, यूं कह सकता है। इसके अलावा कोई कहीं सवाल ही नहीं है कि दिले कि इकालिए वोट दो। 80% गांव नाम है तुलसीराम सिलावट मंत्री बने का बाद गयो जी। बताओ ये अभी चुनाव का पहला इनमें इस्तीफो दो तुलसीराम ने का पहला कितना गाँव नाम है, ये तो हाथ ऊंचा करो ईमानदारी से तुम्हारा स्लोगन दे सकते। किका गांव में आया तो जब मंत्री बने और मंत्री हटियो उनका मतलब मंत्री बने और इस्तीफो दियो कितना गांव नाम आया तो हाथ ऊंचा करो। का एक मतलब 80% गांव नाम तुलसी भैया गया जी नहीं। अभी जता हम राजनीतिक बयान में हूँ बिकाऊ राम मिलावट असोन उसो सब कुआ अन क्यों भी है, पर ईमानदारी से नैतिकता से अपना बात करांगा कि इना आदमी ने पिछला 1.5 साल में यहाँ आयो नहीं। 1.5 साल का बाद एक आदमी ऐसो नहीं है जो दाखला जी ने की 35 साल से हम सभी जीता था हूँ भी थो। मैंने 500 फोन चलता चुनाव में करया या पार्ले भी करया ना इन्हीं बार तुलसी भैया जीत गया। हर बार पिछले चुनाव भी लड़ा था उपचुनाव 15 दिन तक हूँ दौड़ते रहो यहाँ से वहां की कसब इनका जिताना है। हर हालत में हूँ चुनाव लड़ते तब भी इनकी मदद कर कोई कसर नहीं छोड़ तो असो तब भी करता। पर अब सबका 500 लोग ना कार्यकर्ता ना पे इन्हें मुकदमा लगे दिया, मतलब कितो नालायक और गलत आदमी है यो समझ में आइयो सबका। कितो गलत आदमी है कि एक आदमी ने 40 साल सेवा की अब मारी साता नहीं तो भगा जेड़ भेज दूंगा, मतलब या तो कोई एक पापी आदमी करी सकते हो अच्छो आदमी तो नहीं करी सकते। और ज्योतिरादित्य सिंधिया में कहीं करे हो दो भैना का झगड़ा हो आपस में सग्गा भैना का, तो सग्गा भैना का जब झगड़ा चला तो कितरो भी बुरो एक भाई है और कितरो भी अच्छो एक भाई है। एक भाई बहुत अच्छी अच्छी बात ना करे न्याय की बात ना करे और उन्हें खराब भाई का वजह से चक्कू मारी घोपिन मार ना तो उन्हें अच्छा भाई का लोग अच्छो कह गए उनका कही भाई को हत्यारो है यार। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भाई को हत्यारो है यार, अपना भावना ना की कदर कहीं करी ना या सबका नहीं मालूम या बीजेपी वाला मालूम नहीं ऐसी बात की यार इन्हें तो बड़ी गद्दारी करी है तो अच्छो करो कि बुरो करो। बीजेपी में कोई गलत आदमी ना थोड़ी, ये भी भारत का जे अपना जे सब मिली जुली काम हो। तो यह बात सबका गाँव गाँव समझ में आई रही है। खाली अपना काम है वोट घर गिनना, घर के साथ वोट गिनना, वोट का सही 60 अपना 250 वोट 500 वोट को बूथ है तो 250 वोट मैं कहीं ना बूथ पर मिल रहा है कि नहीं, उनकी प्लानिंग जीतू पटवारी वहां नहीं करी सकते न प्रेमचंद गुड्डू इन करी सकते, वहां अपना करनी पड़ेगी आपस में। और असो नहीं की इना बूथ की रिक्शा जीती आए ना रिक्शा हरिया, असो नहीं हर बूथ से कैसे जीता यह प्लानिंग करोगे तब 25,000 की लीड कंप्लीट होगी तुम्हारी, ये तो बीच में सच है। बाकी अरे यह सही है 25,000 से जीता हूँ, 20,000 बार बार किरियो नहीं इन्हीं बात के। जब चुनाव होगा जब तुम्हारे समझ में भी आ जाएगी कि जीतू पटवारी को कैलकुलेशन कसो है, मारो तुम्हारे सबसे अनुरोध है कि यो चुनाव प्रेमचंद गुट्टू कई जगह आई पाऊंगा नहीं आई पाऊंगा, कई जगह हूँ आई पाऊंगा नहीं आई पाऊंगा, पर सबका अपना ही लड़नू है अपनी प्रेमचंद गुट्टू है कोई का कई दिक्कत आवे। तुम्हारो नंबर है सबका 9009955 सामेर से फोन आवे तो वो रात के 11 बजे फोन लगाई रहे कहीं भी कसर नहीं छोड़ी रहे कौन कौन का तम नहीं उठा अलग बात है हूँ तो ऐसा करूँ पाच। तो तुम्हारे कोई ना लिखी लो सब जरा हमारा नंबर जिका करनी है वो लिखो 9009955555 9009955 यो फोन उठाओ PSO फिर नहीं करूँ बात तो जब जब फुर्सत में होते जाऊँ गाड़ी में बैठते जाऊँ फोन पाछो पलटी पलटी लगा तो जी। मारो ये कहू है
कि बूथ की लड़ाई की मीटिंग है, यहाँ बूथ पर प्लानिंग करने की मीटिंग है, जो कमी हो वो अब भी सुधारने की है, कोई सड़क बनानी हो, कोई लाइट लगवानी हो, यो सब चलते रहेगा, प्रोसेस है। यो तुलसीराम सिलावट को काम तो हमारो काम नहीं थो, उन्हें गड़बड़ करी इतना साल में नहीं कराया, राजेश सोनकर को काम तो हमारो काम नहीं थो, वो चुनाव जीती है, तो सारी गलतियां जितनी भी कमी है उनका तरफ है। अपना खाली सही तरीका से अपने प्रेजेंटेशन देना है, किसान ना की बात करनी है, ये लोग ना लोकतंत्र की हत्या करी, तुलसीराम सिलावट को अगवा है। और प्रेमचंद गुड्डू की जहां तक प्रश्न है, मैंने पहला भी यह बात की कि प्रेमचंद गुड्डू कौन है और किसका दंप है, हमारा दंप है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का दंप है। अगर हमारा में ताकत रही तो उपमत आकर रहेगी, अगर हम ना ताकत से चुनाव अपना बूथ पर लड़े तो प्रेमचंद गुड्डू ताकतवर रहेगा, अगर हम कहीं नहीं करान का हिम्मत ताकत होगी, कभी कोई नेता मैं जीतू पटवारी में कोई ताकत नहीं, जब तक कि बूथ को कार्यकर्ताओं का ताकत नहीं दे तो तमीज है जो भी है। हमारा अनुरोध है कि बूथ को मैनेजमेंट का लिए अपन ने चुनाव या मीटिंग बुलाई है, और मूल भावना है वो अलग अलग, अब बूथ मंडल वाइज मीटिंग ना लूंगा, और जब मंडल वाइज मीटिंग ना चलू करांगा तो अपन मंडल की पूरी रूपरेखा की रणनीति कौन कौन कहाँ रहेगो कौन बूथ पर बैठेगो, जैसा अभी जहाँ एक बूथ है चुनाव होगा वहां दो बूथ ही जाएगा, एक बूथ का दो बूथ, जिना गांव में चार बूथ है तो वहां आठ बूथ ही जाएगा, तो अपनी तैयारी ऐसी रखनी है सबको कि आठ बूथ जहाँ चार है वहां आठ होगा, दो बटने वाला बाहर की टेबल एक चलेगी, पर अंदर सब व्यवस्था ना डबल करनी पड़ेगी क्योंकि सोशल डिस्टेंस सिंह को मामलो है। तुम्हारो आप सबसे अनुरोध है, कई बात हो तो बाहर से कर लिया करो, सीधी जो समय समय पर सामग्री ना सब सही साठ पहुंचेगी, कोई संसाधन की कमी हो सकती है, हूँ ऐसा मना नहीं करी, पर पूर्ति में कमी नहीं होगी, मतलब टेम बेटेम ही सकती है पर एकदम बिल्कुल अंधेरी नहीं होगी। और मैंने जैसे कि तुलसीराम सिलावट का ना पैसा से चुनाव लड़ने का अलावा कोई तरीको नहीं है चुनाव लड़ने को, कोई भी कहीं का अलावा कहीं कर ही नहीं सकते, तो पैसा भी लोग लेगा और हराओगा भी सही हो वचन दिलो हो तुम्हारे। जहां तक अपनो प्रश्न है दिनेश भैया, बिल्कुल सही है तुम्हारी, संसाधन की कोई कमी नहीं आओगी, एक एक कार्यकर्ता का जैसा भी चुनाव लड़ेगा उसे हम लड़ेगा, यो प्रेमचंद गुड्डू चुनाव नहीं लड़ी रहे हो, जीतू बंटवारी लड़ी रही हो, तुम्हारे पहला भी की दियो था ना अब भी की दियो था, एक एक आदमी एक एक समाज, राजपूत समाज, खाती समाज, कड़ोता समाज, ये गारी समाज सगड़ा का लोग ना का भाई तू ना का जेड़ भेजाणू रिपोर्ट ना कराणू सब दिखी नहीं रहे लोग ना का कहीं करी लिया है, एक दूसरा का रिश्तेदार ना नहीं देख लिया, ये गरीब आदमी ना इनको अभी इन अपना माड़वी समाज की बात हुई, माड़वी समाज की तुलसीराम सिलावट का ना चार पांच नेता ना गए इंदौर का, वो भाइयों एक परमार करी, तो ये चार पांच नेता ना गया उनना आपस में प्लानिंग करी कि सब पैसे से मैनेज कर दूंगा, तो मतलब वो समझ रहे सब बिकाऊ ही है, उनकी मानसिकता यह है कि सब बिकाऊ है, तो भैया यह बात समझने की है कि जो गरीब वर्ग है वो कहीं ऐसा प्रभावित करेगा, अपना अपना या अपना अपना बूथ पर उना तरीका से अपना मैनेजमेंट कर लू, एक में कसर मत छोड़ो, और संसाधन की कोई कमी किना भी प्रकार की नहीं रहेगी, जो वचन दे रहे हैं। अभी सात आठ दिन में तुलसीराम सिलावट इस्तीफो दे देंगे, कितना दिन में आठ एक दिन में देणू जो ऊपर को देव नहीं बचे सकते हो, तो ये इस्तीफो का छह महीना ही क्या है, अब न मैं विधायक रहेगा न मंत्री रहेगा, अब जो भी रहेगा दूसरा का रहमो करम पर पड़े रहेगा और बाकी जनताओं का घर भेज देगी। यो तो हूँ पहला की कमलनाथ की मीटिंग देखी थी, तब कौन कौन आया था कमलनाथ जी की मीटिंग में, है ने उन्हें मीटिंग में मैंने एक भाषण दियो थो, उसमें जो कौन कौन है ऐसा जो तुलसीराम भैया के घर भेजना चाहो, तो सब ने क्यों हम है भेज लू कि नहीं भेज लू, अरे भेज लू कि नहीं भेज लू, तुलसीराम सिलावट का घर भेज लू कि नहीं भेज लू, बिल्कुल। तो उन्हें वीडियो के देखो 1 करोड़ लोग ना, मतलब सावेर की एक एक जनता कहने चली गई होगी, 1 करोड़ में देखियो उन्हें भाषण कर, तो इन्हें सावेर में एक एक घर चली गयो, तो इका लिए लोग देखा जब उनको मन हो कि हाँ यो सही की रही, ले तो लोग ना अपना कहते नरा आवा तो अपनी आगे बढ़ाता जाए कि नहीं बढ़ाता, तो इको मतलब है जनता को मन है, तमाम सबका तैयार रहना है, अपनो अपनो बूथ संवार है, प्रेमचंद गुड्डू चुनाव नहीं लड़ी लो, चुनाव यहाँ को बूथ को कार्यकर्ता लड़ी लो, संसाधन की कोई कमी नहीं होगी, और जीतू पटवारी जसो प्रेमचंद गुड्डू सेवा करोगे उसी सामर की करोगे, ये वचन दिन हाथ जोड़ने बताई रहे तुम्हारा, कोई नयो छोड़ो कोई पुराणो कोई महाराज चुनाव की बात नहीं है, स्वभाव और विनम्रता का साथ है तुम्हारी सेवा की बात, राजनीति में स्वार्थ तो सबका रहे, सबका चुनाव जीतनो रहे हरनू रहे,
पर यो चुनाव हरना जीतना से ऊपर अपने अस्मिता को है, कांग्रेस की अस्मिता को, ठीक है, समझ लू है। एक बार फिर सबका धन्यवाद। और पालिया का जितना परिवार का लोग यहाँ है, मन पहला भी क्यों थो, यो चुनाव कांग्रेस बीजेपी को नहीं है, यो चुनाव तुम्हारा परिवार का छोटा भाई को, जीतू पटवारी को है। एक में जो बीजेपी का काम करे उनसे भी मैंने व्यक्तिगत रूप से अलग अलग बात कर ली है और आगे भी और करूंगा, पर अपना भी स्वभाव ऐसा रखना है कि उनका साथ ले लूं है। और थोड़ी तो भैया कोई गड़बड़ भी करेगा तो उनका हाथ जोड़ी फिर सेवा करें आगे पटाएगा, पर अल्टीमेटली अपना 25,000 से जीत लूं है, बस यो बच्चे ने समा सदा सुजा दो जी।